चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से आप सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमें सोडियम मेटल प्रिपेयर करना है तो इसके लिए हम फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ऐसा करने पर कैथोड पर सोडियम आयंस का रिडक्शन होता है जिससे हमें सोडियम मेटल मिलता है। वहीं एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्लोरीन गैस मिलती है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको हम एक्वस NaCl सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑप्टेन कर सकते हैं। इसके लिए हम कास्नर केलनर सेल की हेल्प लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कास्नर केलनर सेल में कराते हैं जिसमें मर्क्यूरी कैथोड पर Na+ आयन रिड्यूस होके हमें सोडियम अमलगम देता है। फिर हम इस सोडियम अमलगम की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ऐसा करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मर्क्यूरी एज ए प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और अगर हम सोडियम परोक्साइड के प्रिपरेशन की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करके सोडियम मेटल्स बना लेंगे। फिर हम इस सोडियम मेटल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। ऐसा करने पर हमें सोडियम मेटल ऑक्सीडाइज होकर सोडियम परोक्साइड दे देगा। वहीं अगर हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो इसके लिए हम सॉल्वे प्रोसेस की हेल्प लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट कराकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। फिर हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट ऑप्टेन कर लेते हैं। आई होप आप इन रिएक्शंस को अच्छे से समझ गए होंगे।